हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके साथ मैं और एक बहुत ही खूबसूरत मंगलसूत्र डिज़ाइन लेके आई हूँ। मंगलसूत्र डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गोल्ड मोती, पीले मोती, इस तरह का स्क्रू, दो सुई पुरोने के लिए यहाँ पर मैंने ब्लैक मोती लिया है, और इस तरह का पेंडेंट, और यहाँ पर पुरोने के लिए धागा। चलो देखते हैं मैंने किस तरह से मंगलसूत्र बनाया। मंगलसूत्र बनाने के लिए पहले हमें इस तरह से धागे को फोल्ड करते हुए डबल लेयर हिसाब से फोर लेयर धागा लेना है। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से धागा लिया है, ये देखिए इस तरह से। पीछे जहाँ पर कट लगाया है यहाँ पर बांध देना है। ये देखिए इतना धागा लिया है मैंने, और धागे किस तरह से सामने की ओर अलग अलग कर लेना है। यहाँ पर मैंने फोर लेयर धागा लिया है, ये देखिए इस तरह से पीछे की बाजू इस तरह से करना है, और आगे इस तरह से दोनों बाजू सुई को बांध लेना है। यहाँ पर मैंने सुई में सिलाई वाला धागा पुरो लिया है, दोनों बाजू बांध लेना है। यहाँ पर पहले हमें इस तरह से ब्लैक मोती को पुरो लेना है। ये देखिए इस तरह से एक ब्लैक मोती में इस तरह से दोनों सुई को पुरो लेना है, और इस तरह से दोनों धागों को अलग अलग कर लेना है। फिर से हमें यहाँ पर मोती पुरोना है। ये देखिए इस तरह से मैंने ब्लैक मोती पुरा है। इसी के साथ इधर भी हमें पांच ब्लैक मोती पुरोना है। मोती को हमें गिनकर बराबर ही डालना है। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड पांच पांच ब्लैक मोती डाला है। फिर से हमें यहाँ पर दो ब्लैक मोती लेना है। फिर से इसी तरह से पकड़ते हुए ये वाली सुई से इस तरह से पुरो लेना है, और दोनों सुई को इस तरह से खींचते हुए पीछे की ओर ले जाना है। ये देखिए इस तरह से। फिर से हमें पीला मोती डालना है, ये देखिए इस तरह से दोनों बाजू हमने पीला मोती डाला है। फिर से हमें ब्लैक मोती लेना है। यहाँ पर मैंने दो ब्लैक मोती लिया है। फिर से इसी तरह से पुराना है, इस तरह से पकड़ते हुए ये वाली सुई से पुरोते हुए दोनों धागों को इस तरह से खींचना है और पीछे की ओर ले जाना है। ये देखिए इस तरह से। फिर से हमें दोनों बाजू इस तरह से पीला मोती डालना है। फिर से हमें दो ब्लैक मोती लेना है। फिर से इसी तरह से पुरोना है। ये देखिए इस तरह से बनाते जाना है, हमें एक ही स्टेप को फॉलो करते हुए बनाते जाना है। फिर से दोनों बाजू पीला मोती डालना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने ब्लैक मोती की लेयर बनाए। फिर से दोनों बाजू पीला मोती डालना है। फिर से हमें यहाँ पर दो गोल्ड मोती लेना है। फिर से गोल्ड मोती को भी इसी तरह से पुरोना है। ये देखिए इस तरह से फिर से दोनों बाजू पीला मोती डालना है। यहाँ पर मैंने ब्लैक मोती की 12 लेयर बनाया है, गोल्ड मोती की भी इतना ही बनाना है हमें। फिर से हमें दो गोल्ड मोती लेना है। फिर से इसी तरह से पुरोना है। ये देखिए इस तरह से पुरोते धागे को दोनों बाजू खींचना है। फिर से हमें दोनों बाजू इस तरह से पीला मोती डालना है। फिर से इसी तरह से हमें गोल्ड मोती की लेयर बनाते जाना है। ये देखिए इस तरह से मैंने गोल्ड मोती लिया है। इस तरह से मोती को पकड़ते हुए ये वाली सुई से पुराना है। मोतियों को इसी तरह से पकड़ना है ताकि हमारी सुई धागे में फंसे ना। ये देखिए इस तरह से पुरोते हुए दोनों बाजू खींचना है। इसी तरह से हमें गोल्ड मोती की लेयर बनाते जाना है।
ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने गोल्ड मोती की 12 लेयर बनाया है इस तरह से। फिर से हमें ब्लैक मोती की लेयर बनाना है, फिर से दोनों बाजू पीला मोती डालना है, फिर से इस तरह से ब्लैक मोती डालना है, फिर से इसी तरह से हमें ब्लैक मोती की 12 लेयर बनाते जाना है। ये देखिए इस तरह से हमने ब्लैक मोती के लेयर बनाया है। फिर से हमें गोल्ड मोती की लेयर बनाना है, फिर से हमें दोनों बाजू पीला मोती डालना है, फिर से इस तरह से गोल्ड मोती लेना है, इस तरह से मोती को पुरोते हुए ये वाले सिर से दोनों बाजू खींचना है, फिर से इसी तरह से हमें गोल्ड मोती की 12 लेयर बनाना है। ये देखिए इस तरह से मैंने गोल्ड मोती की 12 लेयर बनाए, फिर से दोनों बाजू पीला मोती डालना है, फिर से हमें यहाँ पर ब्लैक मोती डालना है,
इस तरह से मोतियों को पीछे ढकलना है ताकि हमारा धागा सामने की ओर बचे। ये देखिए इस तरह से मैंने मोतियों को पीछे ढकल दिया है। फिर से हमें ब्लैक मोती की लेयर बनाना है। फिर से हमें इसी तरह से मोती को पुरो लेना है। फिर से हमें इस तरह से गोल्ड मोती की लेयर बनाना है। यहाँ पर मैंने 12 ब्लैक मोती की लेयर बनाया है। फिर से इसी तरह से हमें गोल्ड मोती की लेयर बनाना है। फिर से इसी तरह से पुरोना है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा एक बाजू इस तरह से तैयार है। हमें यहाँ पर इस तरह से पेंडेंट को फिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से धागे को निकालते हुए इस तरह से पीछे की बाजू इस तरह से पुरो लेना है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर हमारा पेंड अच्छे से फिक्स हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से मोतियों को इस तरह सामने की ओर ढकलना है। इसी तरह से हमें दूसरी बाजू भी बना लेना है। यहाँ पर मैंने दूसरी बाजू भी बना लिया है। इसे भी हमें पेंडेंट को इस तरह से फिक्स कर देना है इसी तरह से, और इस तरह से मोतियों को सामने की ओर लाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों बाजू हमारे लग चुके हैं। अभी हमें दोनों बाजू इस तरह से पीछे की ओर स्क्रू लगा लेना है। यहाँ पर पीछे से इस तरह से स्क्रू को पुरो लेना है, अच्छे से नॉट लगा लेना है। इसी तरह हमें ये बाजू पे स्क्रू लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, आज की मंगलसूत्र की डिज़ाइन तैयार है। आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।